Hello, dear friends. We are back again and we are going to start our supervision here today for the topic called as underwriting. Underwriting se shuru karenge, interesting topic. Underwriting of shares aa sakta hai aapko 2 se 3 mark ke liye bachcho. Underwriting of shares and debentures. Ye chapter jo hai kaafi easy hai. Theek hai, isme kuch provisions hai jo hume yaad rakhne hai, hum log sums bhi solve karenge isse related. Let's see what the chapter is about. The topic's name is underwriting of शेयर्स एंड डिबेंचर्स. ओके, तो अंडर राइटिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर राइटिंग. अंडर राइटिंग कुछ नहीं है बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी और कुछ एंटिटीज के बीच में. सर, एंटिटीज कैन बी इंडिविजुअल्स, कैन बी फर्म, कैन बी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. सर, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? सबसे पहले तो दो जन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक तो कंपनी के बीच में हो रहा है और एक एंटिटीज हैं जिनको हम लोग अंडर राइटर्स बोलते हैं, उनके बीच में हो रहा है. सर, क्या कॉन्ट्रैक्ट है? कम नहीं बोल रहा, देख बाबा, अगर मेरे शेयर्स को पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं तो तकलीफ में आ जाऊंगा, बराबर, मेरा तो इशू पूरा का पूरा फ्लॉप हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा और मुझको सारे के सारे जितने भी मेरे एप्लीकेंट्स हैं सबको मुझे पैसा रिफंड करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में. जितना भी प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट दिया है एज पर द एक्ट, वो हिसाब से मुझको पैसा वापस देना पड़ेगा सबको. अंडरराइटर बोलेगा, हाँ यार, तो काम करता हूँ ना, तेरे शेयर्स जितने नहीं लिए ना पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया उतना मैं ले लेता हूँ, लेकिन मैं फ्री में काम काज नहीं करूंगा, मैं तो कमीशन चार्ज करूंगा. हाँ, तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज अ कंपनी एंड द एंटिटीज. अभी यहाँ पे एंटिटी कुछ भी हो सकता है रे बाबा, नॉर्मल पर्सन भी हो सकते हैं और कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, दैट इज ओके. दोनों के बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट है कि मेरे जितने शेयर्स पब्लिक नहीं ले रहे उतने तू ले लेना भाई, ओके. अभी अंडरराइटर्स जो है ना, वो लोग ये काम फ्री में तो करेंगे नहीं, बराबर, तो वो लोग क्या चार्ज करेंगे? अंडरराइटिंग कमीशन चार्ज करेंगे मेरे दोस्तों, अंडरराइटिंग कमीशन. अभी अंडरराइटिंग कमीशन के बारे में एक्ट क्या बोलता है? अंडरराइटिंग कमीशन के बारे में एक्ट बोलता है कि बाबा, कमीशन जो है ना वो शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों के मामले में अलग अलग है. सर, कितना कितना कमीशन है? इस पे मस्त वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो ये याद रखना मेरे बच्चों. अंडरराइटर्स क्या चार्ज कर सकते हैं? कैन चार्ज अ मैक्सिमम कमीशन ऑफ 5% ऑफ इशू प्राइस ऑफ शेयर्स. ध्यान दीजिएगा, इशू प्राइस बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे फेस वैल्यू का बातचीत नहीं चल रहा है. आपके इशू प्राइस के 5% तक का कमीशन मैं ले सकता हूं और डिसाइडेड बाय द कंपनी व्हिच एवर इज लोअर. सेम अप्लाइज फॉर डिबेंचर, लेकिन डिबेंचर के रूल में यहां पे कमीशन घट के 2.5% ऑफ इशू प्राइस हो जाएगा दोस्तों, जबकि शेयर्स के प्राइस में इट इज 5%. ये हमारे एक्ट में दिया हुआ है. या तो ये दोनों, या तो एज डिटरमाइंड बाय द कंपनी विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी लेस है. अगर कंपनी बोलता है नहीं बाबा, मैं तो 4% ही दे सकता हूँ, चलेगा तुझको? अंडरराइटर ने हाँ बोला, वेल एंड गुड. कंपनी बोला नहीं नहीं मैं तो 60% दूंगा, क्या दे सकते हैं ऐसे 7%? नहीं सर, नहीं दे सकते. एक्ट ने ही मैक्सिमम कमीशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, इसके ऊपर अलाउड नहीं. और समझिए कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट में तो अंडरराइटिंग का कोई केस ही नहीं है. प्राइवेट प्लेसमेंट में तो कंपनी के पास ऑलरेडी प्राइवेट इंडिविजुअल्स है जो लोग शेयर्स लेने वाले, तो अंडरराइटिंग का सवाल ही नहीं. ये सिर्फ पब्लिक प्लेसमेंट में होता है मेरे दोस्तों. किसमें होता है? पब्लिक प्लेसमेंट में. क्या होता है इसमें? कि पब्लिक ने अगर शेयर्स नहीं सब्सक्राइब किए तो मैं कर दूंगा, ऐसा अंडरराइटर बोल रहा है मेरे दोस्तों. आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है. ये है हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक का छोटा सा, आगे बढ़ेंगे. अंडरराइटर करता क्या है? सर, अंडरराइटर या तो खुद खरीद लेंगे शेयर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट लाइबिलिटी. द अंडरराइटर कैन बाय द अनसब्सक्राइब शेयर्स ऑफ द कंपनी. ये उसके ऊपर नेट लाइबिलिटी कब आएगा? जब हम लोग सारा कैलकुलेशंस कंप्लीट कर लेंगे कि बाबा, तेरे पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए, मैंने कितने लोगों को इंड्यूस किया तेरे शेयर्स लेने के लिए, वो सब माइनस करो और एंड में कितना शेयर बच रहा है वो मैं ले लूंगा. अंडरराइटर खुद खरीद सकते हैं शेयर, एंड अंडरराइटर्स कैन प्रमोट द शेयर्स ऑफ द कंपनी इन ओपन मार्केट टू जनरल पब्लिक ऑल्सो. हाँ, जनरल पब्लिक को बोलेंगे बाबा, मेरे थ्रू शेयर खरीद लो, कंपनी अच्छा है, डिविडेंड अच्छा खासा देने वाला, पब्लिक ने इंड्यूस होके ले लिए, एंड बाय गॉड्स ग्रेस कंपनी अच्छा भी था और डिविडेंड भी देता है अच्छे से, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. अंडरराइटर्स ने आपको समझाया बाबा शेयर ले लो, तो जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है ना बच्चों, उसके ऊपर एक मार्किंग होगा
वो मार्किंग को हम लोग बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स, जिसके ऊपर अंडरराइटर का मार्किंग है। मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म क्या है मेरे दोस्तों, बताइए। मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अंडरराइटर का स्टैम्प होता है, और दूसरा आता है अनमार्क। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई पब्लिक रैंडमली आके, उसको पता है कंपनी के बारे में, अंडरराइटर का जरूरत नहीं है उसको, उसने डायरेक्टली शेयर्स खरीद लिए, दे विल बी टर्म्ड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। हाँ, इसके ऊपर तो कोई भी स्टैंपिंग नहीं होता, नो स्टैंप ऑन एप्लीकेशन, जबकि मार्क्ड एप्लीकेशन पे स्टैंप होता है। हाँ यस, इस पे एप्लीकेशन पे। ओके समझा, या तो खुद ले लेंगे या तो इंड्यूस करेंगे खरीदने के लिए, और उसके बाद में उनको कमीशन दिया जाएगा। कमीशन का पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, और बच्चे इतना गलती कर देते हैं इसमें, कि ये जो ICSI वाले हमारे दोस्त है ना, इनको कंफर्म हो गया कि बाबा स्टूडेंट गलती करने वाले हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हम लोग सुपर रिविजन कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे तो सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग मार्कअप करके आपको याद दिलवा देंगे। यहाँ पे देखो ना क्या दिया, द कमीशन विल बी पेड ऑन द नंबर ऑफ शेयर गारंटीड, जितने आपने शेयर डिबेंचर का गारंटी दिया ना उस पे कमीशन। आपके ऊपर लाइबिलिटी कितना आ रहा है उस पर थोड़ी क्या कमीशन, आपने कितना गारंटी दिया, आपने क्या प्रॉमिस दिया कि बाबा तेरे सारे शेयर्स का गारंटी मैं लेता हूँ, एक भी शेयर किसी ने नहीं लिया ना तो मैं सारा शेयर्स खरीद लूंगा, मतलब दिस वॉज द गारंटी। तो कमीशन भी एक गारंटीड अमाउंट पे मिलना चाहिए, नॉट ऑन द नेट लाइबिलिटी। अभी समझो किसी एक अंडर राइटर ने गारंटी दिया कि बाबा तेरे 10,000 शेयर देना, सारे के सारे मैं अंडर राइट कर रहा हूँ, कोई नहीं लेगा तो मैं तो ले ही लूंगा। तो यहाँ पे जो भी कंपनी है वो रेस्ट अश्योर्ड हो जाएगा, बाबा किसी ने नहीं लिया तो ये तो ले लेंगे, और सच में किसी ने भी नहीं लिया, तो सारे शेयर्स अंडरराइटर को लेने, और वो शेयर्स लेने का उनको कमीशन भी मिलेगा, दैट इज कंप्लीटली फाइन। लेकिन अगर समझिए सारे शेयर्स पब्लिक ने ले लिए तो भी अंडरराइटर को कमीशन मिलेगा, अरे बाबा क्यों, क्योंकि उन्होंने गारंटी दिया था कि कोई नहीं लेगा तो मैं, वो गारंटी का चार्ज है। समझ में आ रहा है आप लोग को, एकदम इजी अंडरस्टैंडिंग। कमीशन विल बी पेड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स गारंटीड एंड नॉट ओनली ऑन द नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेरे बच्चों। आगे एक प्रैक्टिकल पॉइंट बताऊंगा, लेकिन आगे जाके इसको भूल जाने का, सिर्फ एक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने का, कि एक अंडरराइटर जो होता है वो सिर्फ 10% ऑफ द इशू को ही अंडरराइट कर सकता है मेरे बच्चों। ये प्रैक्टिकल पॉइंट है, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर में हमको अंडरराइटिंग केस समझने के लिए, बहुत बार ऐसा केस आएगा कि बाबा दो अंडर राइटर्स, उन्होंने 50-50% अंडर राइट कर लिया, वो तो आपको थियरी समझाने की एस। लेकिन क्लॉज क्या है एक्ट में कि बाबा एक अंडर राइटर सिर्फ कितना अंडर राइटिंग कर सकता है, 10% ऑफ द इशू। कितना इजी है, देखो आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग के बारे में बात कर, बड़ा प्यारा प्यारा है, ठीक है। किस देखिए, कंप्लीट अंडर राइटिंग और फुल अंडर राइटिंग, ऑल जितने भी तू शेयर्स इशू कर ले मैं सारा का सारा गारंटी ले रहा हूँ, फुल अंडर राइटिंग। पार्शियल अंडर राइटिंग, इसको है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम हल्के में ले लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ओनली सम पार्ट इज गारंटीड, रेस्ट लाइबिलिटी लाइज ऑन कंपनी शोल्डर्स। मतलब क्या, यहाँ पे बाबा तेरे कितने शेयर है, 10,000, लेकिन मेरे पास इतना पैसा ही नहीं, मैं तो सिर्फ 5,000 शेयर का गारंटी ले सकता हूँ, बाकी का 5,000 तू देख ले भाई। मतलब अगर वो 5,000 शेयर किसी ने ले लिए तो वो अनसब्सक्राइब रह जाएगा, मेरा गारंटी नहीं, मेरा सिर्फ 5,000 शेयर्स का गारंटी। इसको बोलते हैं पार्शियल अंडरराइटिंग। इसके ऊपर तो एग्जांपल भी देखेंगे, इस पर अच्छे अच्छे क्लॉजेस हैं मेरे बच्चों, बड़े प्यारे प्यारे क्लॉजेस हम लोग देखेंगे। फर्म अंडरराइटिंग, एक्चुअली इसका नाम फर्म अंडरराइटिंग क्यों है मुझको नहीं मालूम, यहाँ पे कन्फर्म अंडरराइटिंग नाम रहना चाहिए तो मेरे सारे सुपरस्टारों को तुरंत समझ में आ जाएगा। कन्फर्म अंडरराइटिंग मतलब क्या, कोई ले न ले मैं तो तेरे शेयर इतने लेने वाला हूँ, मेरे ऊपर लाइबिलिटी आए ना आए तो भी मैं इतने शेयर तो कंफर्म परचेस करने वाला हूं। दिस इज कॉल्ड एज फर्म अंडरराइटिंग। मतलब द कंफर्म परचेस कमिटमेंट बाय द अंडरराइटर्स इवन इफ देयर इज नो नेट लायबिलिटी ऑब्लिगेशन। के बाबा 50,000 शेयर्स इशू करने के लिए पब्लिक ने 50,000 शेयर्स का सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई भी कर लिया है, तो भी अपने अंडरराइटर भाई साहब ने 5,000 का फर्म अंडरराइटिंग डाला था, तो 5 तो अंडरराइटर्स को देने ही पड़ेंगे, बाकी 45 पब्लिक को दे दो, लेकिन 5 यहां पे फर्म को मिलेंगे क्योंकि उन्होंने फर्म अंडरराइटिंग कंफर्म, मेरे को इतना तो चाहिए ही चाहिए। अभी मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ, 50,000 शेयर्स का इशू है, ठीक है, फर्म अंडरराइटिंग 5,000 का करके रखा और फुल अंडरराइटिंग, पार्शियल नहीं फुल अंडर, और 40,000 एप्लीकेशन रहा है, तो 10,000 का लाइबिलिटी अपने भाई साहब का बन जाता है अंडरराइटर्स का। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, 10 में से भी 5 तो उसका कन्फर्म
अंडरराइटिंग था कि इतना तो मैं लूंगा ही लूंगा, तो वो चलेगा। नेट नेट लाइबिलिटी कितना आएगा? 5,000 का ही आएगा। मतलब खरीद रहे हैं अंडरराइटर 10,000 शेयर, खुद के मन से कितना ले रहे? 5,000। और लेना कितना पड़ रहा है? बाकी का 5,000। तो टोटल लाइबिलिटी का क्वेश्चन आया तो 10,000, अगर नेट लाइबिलिटी पूछा तो 5,000 बोलने का। क्लियर है? एकदम क्लियर। देखिए ना, एक सम भी सॉल्व कर लेंगे इस पे, डरते थोड़े हम। चलिए आइए देखेंगे। कंपनी इश्यूज 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच व्हिच आर इशूड एट पार। ओके, तो यही अपना इशू वैल्यू है और यही अपना फेस वैल्यू भी है। होल इश्यूज अंडररिटन बाय मिस्टर अजित एंड कंपनी। अरे वाह, अंडररिटर अलाउड अंडररिटिंग कमीशन। रे बाबा, कमीशन, अंडररिटिंग कमीशन अलाउड इज मैक्सिमम एज पर द कंपनीज एक्ट। एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम कितना है? सर, शेयर्स का बात चल रहा है तो शेयर्स पे तो 5% ऑफ इशू प्राइस मिलना चाहिए, इतना ही मिलेगा। आइए आगे बढ़ेंगे। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 45,000 शेयर्स। केस ए में 45,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया, केस बी में 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया, तो दो दो केस है, कोई बात नहीं, दोनों सॉल्व करेंगे। फाइंड अंडररराइटर्स लायबिलिटी इन बोथ केसेस एंड द कमीशन पेबल। ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? देखो, फुल अंडररराइटिंग की है, मतलब हम लोग यहाँ पे अगर बोले कि बाबा कितने शेयर इश्यू किए, तो 50,000 शेयर्स इश्यूड। ओके सर, इसमें से सब्सक्राइब्ड कितना और अनसब्सक्राइब कितना? बताओ बताओ बताओ। हाँ, 45,000 एक केस का बोल रहा हूँ। हाँ, 45,000 सब्सक्राइब्ड है, तो अनसब्सक्राइब्ड कितना? सर 5,000। तो फुल लाइबिलिटी भाई साहब ने ली है, हमारे अजीत जी ने फुल लाइबिलिटी ली है। तो यहाँ पे अजीत के ऊपर ग्रॉस लाइबिलिटी कितना? हाँ, पूरे 50,000 शेयर्स का। ओके सर, लेस पब्लिक एप्लीकेशन रिसीव। पब्लिक एप्लीकेशन कितना रिसीव किया? 45, तो बचा कितना? सर 5,000। अरे बाबा, उसका भी लाइबिलिटी 5,000 शेयर्स का आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे नेट नेट लाइबिलिटी। बराबर समझा कि नहीं? ये तो है अपना केस ए। केस ए, अभी केस बी में क्या हो रहा है देखना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है केस बी। 50,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं और सब्सक्रिप्शन भी पूरे 50,000 शेयर्स का आ गया, तो यहाँ पे अगर मैं बाइफरकेट करूँ, एक्चुअली बाइफरकेट करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन तो भी 50 का पूरा 50,000 सब्सक्राइब्ड, तो अनसब्सक्राइब तो जीरो ही है, कोई भी अनसब्सक्राइब बचा ही नहीं। फिर से टेबल बना देंगे छोटू सा मोटू सा मस्त। ग्रॉस लाइबिलिटी फुल फुल अंडर राइटिंग की है, तो ग्रॉस लाइबिलिटी कितना आ जाएगा? इट विल बी 50,000 शेयर्स, जिसमें से लेस एप्लीकेशन कितने का आ गया? पब्लिक एप्लीकेशन सर पूरे 50 का है, तो कोई लाइबिलिटी बनता है क्या हमारे अजीत जी पे? नहीं, कोई भी लाइबिलिटी नहीं, अजीत जी फ्री हैं। अब कमीशन सर कैलकुलेट करो ना, दोनों का अलग अलग हो जाएगा ना सर कमीशन? नहीं रे बाबा, यहाँ पे कमीशन पेएबल सेम रहेगा मेरे बच्चों। देखो ना, कमीशन एज पर एक्ट 5% ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स गारंटीड। कितने का गारंटी दिया है? पूरे 50,000 शेयर्स का, तो 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹10 का था ना एक दोस्तों, यस ₹10 का ही था, इशू भी 10 में कर रहे तो मल्टीप्लाइड बाय 10, ये है हमारा होल वैल्यू। इसका 5%, मतलब 5 लाख रुपीज जो है ना, 5 लाख रुपीज का 5% निकालेंगे, 25,000 आएगा। मैं कंफर्म कर लेता हूँ, चांस बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। 5 लाख × 5% 25। कभी कभी कैसा है ना, एंजाइटी हमारे से गलती करवा देता, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर बाजू में पड़ा है, कैलकुलेट कर लेने का कितना आएगा आंसर। देखिए, यस 25,000, इट शुड बी विजिबल दोस्तों। 25,000 का कमीशन दोनों ही केस में, इस केस में भी इतना है, इस केस में भी इतना है, सेम। क्योंकि कमीशन तो हम लोग कितने शेयर्स का गारंटी दिया उस पे लेते, न कि कितना शेयर का लाइबिलिटी आ रहा है उस पे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया अपना फर्स्ट एग्जांपल, आगे बढ़ेंगे ना धीरे धीरे।
फुल अंडर राइटिंग का केस देखा तो अभी तो पार्शियल अंडर राइटिंग भी देखना चाहिए। अभी पार्शियल अंडर राइटिंग मतलब क्या सर? पार्शियल अंडर राइटिंग का मतलब है कि पूरा इश्यू सब्सक्राइब नहीं, गारंटी नहीं लिया है हमने, कुछ लाइबिलिटी अभी भी कंपनी के हिस्से में है, ठीक है। अभी इसमें दो रूल है, एक जो सब में हमको मार्क्ड अनमार्क्ड सारा डिविजन दिया हुआ, दूसरा कोई भी डिविजन दिया नहीं। तो अगर पहले डिविजन का मैं बात करूं कि बाबा मार्क्ड अनमार्क्ड दिया हुआ, तो जितना भी मार्क्ड एप्लीकेशन है उसका बेनिफिट तो जाएगा हमारे अंडरराइटर भाई साहब को, यस नो डाउट। लेकिन जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है ना मेरे, उसका पहला बेनिफिट मिलेगा हमारे कंपनी को, फर्स्ट बेनिफिट विल बी टू द कंपनी। कंपनी को बेनिफिट देने के बाद में अगर कोई सरप्लस बचता है तो बेनिफिट ट्रांसफर करो अंडरराइटर को, नहीं तो ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ सरप्लस आया तो। लेकिन सर अगर बाइफरकेशन नहीं है मार्क्ड एप्लीकेशन अनमार्क्ड, तो सर तो नॉर्मली जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करने का। सर नॉर्मली भी कैसे करते, देखिए ना बच्चों, एक सम ही सॉल्व करेंगे पूरा आपके साथ। हाँ एक एग्जांपल उठा लेंगे, ए कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, दीज वेर अंडर रिटर्न एज फॉलोज, एक्स ने कितना अंडर राइट किया है 30,000, वाई ने कितना अंडर राइट किया है 50,000 शेयर्स अंडर राइट किया, यस और नो? द पब्लिक अप्लाइड फॉर 70,000 शेयर, डिटरमाइन द लाइबिलिटी ऑफ एक्स वाई एंड द कंपनी। अरे बाप रे, कंपनी भी आ गए। हाँ बच्चों देखो ना, एक्स का 30,000 का लाइबिलिटी है ग्रॉस, वाई का 50,000 का लाइबिलिटी है ग्रॉस, और हमारे बाकी के 20,000 शेयर तो बच गए, इसका लाइबिलिटी कौन सर पे लेगा? कंपनी लेगा। यस सर, कैसे रिजोल्व करेंगे? देखो इसको, प्लीज लुक हियर, इसको हम लोग कैसे रिजोल्व करेंगे? तो सॉल्यूशन, सबसे पहले कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं? 1 लाख। एक शेयर कितने का? तो 10 रुपीज है कि 100 है? हंड्रेड, वंडरफुल। वन लाख इंटू 100, 1 करोड़ हो जाएगा। अभी इसका अंडरराइटिंग कैसे हुआ है? एक्स ने किया है 30,000 शेयर्स, वाई ने किया है 50,000 शेयर्स, जो बच गया वो कंपनी के सर पे है 20,000 शेयर्स। आई होप दिस इज लाउड एंड क्लियर। अभी इशू जब भी हुआ है तो 1 लाख शेयर्स का इशू हुआ है, 1 लाख शेयर्स में से कितना सब्सक्राइब्ड है कितना अनसब्सक्राइब्ड है बताओ? 780 कितने का सब्सक्रिप्शन आया है? आई प्रिज्यूम इट वॉज 70, हाँ 70,000। देखिए बच्चों ये रहा 70,000 शेयर्स का सब्सक्रिप्शन आया है ना, ओके ध्यान दे। तो देखो फुल फ्लेज क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 70,000 का सब्सक्रिप्शन आया है और बाकी 30,000 क्या हो गए हैं? अनसब्सक्राइब्ड है। ओके सर, ये तो टेबल तो समझा। अभी आ जाएंगे हमारे लाइबिलिटी कैलकुलेशन पे के 30,000 का ग्रॉस लाइबिलिटी, एक्स का, वाई का 50 और कंपनी का 20, तो यहाँ पे ना तीनों के बीच में एक रेशियो जनरेट होगा। रेशियो जनरेटेड, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, रेशियो जनरेटेड बिटवीन द अंडररराइटर्स। यहाँ पे कंपनी भी अंडररराइट कर रहा है 20,000 शेयर, उसने खुद के लाइबिलिटी पे लिए। हाँ, बिटवीन द अंडररराइटर्स इज कॉल्ड एज ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। और एक बार बोल रहा हूं, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। यहाँ पे x, y और कंपनी के बीच में भी रेशियो है 3:5:2। आई होप आपको समझ में आया ये कैसे आया 3:5:2। देखिए 30,000 शेयर्स का लाइबिलिटी x ने लिया था, 50,000 शेयर का लाइबिलिटी y ने लिया, कंपनी के ऊपर 20,000 शेयर का लाइबिलिटी आया, लेस एप्लीकेशन रिसीव। बोलो एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ था? 70,000। ये भी GLR में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्रेडिट करना है GLR में, क्योंकि मार्क डनमार्क कुछ दिया नहीं, किसके नाम पे कौन शेयर लेके जा रहा है कुछ नहीं मालूम। तो बेनिफिट सबको देंगे हम, सबको देंगे मतलब क्या है सर? 70,000 जो है ना मेरे बच्चों, 70,000 शेयर्स
ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स वाई और कंपनी के बीच में 3:5:2 मतलब 10 से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 21,000 शेयर्स यहाँ पे आने चाहिए, 35,000 शेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे और 14,000 शेयर। सर कैसे किया आपने? अरे बाबा, एक्स का शेयर 70 × 3/10, वाई का 70 × 5/10, कंपनी का 70 × 2/10। टोटल करो देखो, 21 + 35 + 14, 70 आना चाहिए मेरे दोस्त, बराबर। हाँ, तो बेनिफिट अभी दे देंगे हम लोग यहाँ पे टेबल में कि 21,000 का बेनिफिट एक्स को, 35,000 शेयर्स का बेनिफिट वाई को, 14,000 शेयर्स का बेनिफिट कंपनी को, ये सब माइनस करेंगे तब जाके नेट नेट लाइबिलिटी के बारे में पता चलेगा अपने को। आइए नेट लाइबिलिटी ढूंढने में मदद कीजिए मेरे दोस्तों। 30 − 21 बहुत डिफिकल्ट है, बताइए आप लोग। 9,000 शेयर्स का लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी 15,000 और यहाँ पे 6,000। अभी आपको एक मैजिक बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। हाँ सर, तो यहाँ पे कौन कितना शेयर ले रहा है? एक्स ले रहे 9,000, वाई ले रहे 15,000 और कंपनी नहीं ले सकती है 6,000 शेयर्स। ये जो 6,000 शेयर्स है ना, दीज विल रिमेन। बोलो दीज विल रिमेन, कमेंट बॉक्स भर देने का बच्चों। हाँ बोलो, विल रिमेन अनसब्सक्राइब्ड। लवली डब्ली, विल रिमेन अनसब्सक्राइब। कंपनी ने लिया था रेस्पॉन्स, नहीं भर पाया, अनसब्सक्राइब रह जाएगा। 15 + 9 कितना हो जाता है? 24। ओके, देखिए यहाँ पे 30,000 शेयर्स अनसब्सक्राइब था। 30,000 में से भी अभी अभी अगर आपको बाइफरकेशन सिखाओ तो 30 में से भी यहाँ पे दो अंडर राइटर्स मिलके 80% हो रहा था, बाकी का 20% कंपनी के सर पे आया था। 30,000 का 80% निकालिए तो जरा, 80% 24,000 आ जाएगा। मतलब 24,000 शेयर्स जो है ना, ये अंडर राइटर्स के सर पे आने वाला है और बाकी का जो 6,000 बचा ना, अरे 30,000 का 20% निकालो, 6,000 ही आएगा, वो रह जाएगा अनसब्सक्राइब, क्योंकि कंपनी ने उसका अंडर राइटिंग नहीं करवाया, डायरेक्ट मिल गया। सर तो टेबल क्यों बना? नहीं बच्चों, पहले मेथोडोलॉजी, बाद में शॉर्टकट ना, यस और नो? आपको पहले मेथोडोलॉजी तो मालूम रहना चाहिए ना बच्चा पार्टी। तो ये था हमारा प्यारा प्यारा दुलारा सा प्रॉब्लम ऑन अवर पार्शियल अंडर राइटिंग। अभी पार्शियल अंडर राइटिंग के ही केस में अगर समझिए, आपको मार्क्ड अनमार्क्ड बता दिया कि मार्क्ड क्या है, अनमार्क्ड क्या है, तो ये वाला पॉइंटर अपने को याद रखना है। व्हाट इज दिस पॉइंटर अबाउट मेरे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। इन पार्शियल अंडर राइटिंग इफ मार्क्ड एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर गिवन, देन द बेनिफिट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन विल बी फुल्ली गिवन टू द कंपनी फर्स्ट। पहले किसको मिलेगा बेनिफिट? कंपनी को। और बाद में अगर कोई सरप्लस है, इफ एनी सरप्लस, तो हम लोग किसको देंगे वो बेनिफिट? अंडर राइटर को देंगे। समझा बच्चा पार्टी? सर कोई सरप्लस बचा ही नहीं तो कंपनी को बेनिफिट देते देते खत्म हो गया, तो अंडर राइटर को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इफ नो सच बाइफरकेशन इज गिवन, तो हमने अभी जैसा रिजोल्व किया नॉर्मली, वैसे नॉर्मली हम लोग रिजोल्व करेंगे। बाइफरकेशन दिया है तो फिर इस प्रकार से, नहीं बाइफरकेशन दिया है तो इस प्रकार से रिजोल्व करने का, जिसमें हम लोग मार्क्ड अनमार्क्ड सब कुछ एक साथ में जीएलआर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे अभी के प्रॉब्लम ने हमने सॉल्व किया। करेक्ट बच्चा पार्टी? चलिए आइए आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे दो प्रकार का अंडर राइटिंग है। देखो फॉर्म अंडर राइटिंग में दो प्रकार का अंडर है। कन्फर्म लेने वाला हूं मैं शेयर, कन्फर्म। मेरे साथ में और 5 अंडर राइटर्स है जो लोग शेयर्स लेने वाले, तो ये जो 5 अंडर राइटर्स है मेरे साथ में, टोटल हो गए 6। ये 6 के 6 फॉर्म अंडर राइटिंग कर, कन्फर्म। मैं तो 1,000 लूंगा, मैं तो 2,000 लूंगा। अभी इनका बेनिफिट कैसे क्रेडिट करना है? सर बेनिफिट क्रेडिट करने का मतलब क्या है बच्चों? जब हम लोग टेबल बनाते हैं अंडर राइटिंग के लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने का टेबल हो, अब जब वो टेबल बनाते हैं हम लोग, तभी
सबसे ऊपर आता है अपना ग्रॉस लाइबिलिटी के, बाबा ग्रॉस लाइबिलिटी कितना हमने मार्कअप किया है, अच्छा इतना इतना किया है एक्स वाई से। फिर फॉर्म अंडरराइटिंग कुछ है, हाँ तो वो माइनस कर। ये जो फॉर्म अंडरराइटिंग माइनस करने वाला पॉइंट है, यही पॉइंट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या रेशियो से माइनस करना। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि बाबा इंडिविजुअल बेनिफिट दे दो, फॉर्म अंडरराइटिंग का इंडिविजुअल बेनिफिट दे दो, इसका मतलब क्या है, द क्रेडिट इज टू बी गिवन एज पर इंडिविजुअल फर्म अंडरराइटिंग, जो जितना फर्म अंडरराइटिंग कर रहा है उसके ग्रॉस लायबिलिटी में से उतना उतना कट जाए। दूसरा पॉइंट है बेनिफिट एज पर जीएलआर, मतलब सबको बेनिफिट दो एक साथ। सर जीएलआर का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्म अंडरराइटिंग जितने भी लोग हैं, समझो पांच अंडरराइटर्स है, पांचों के भी फर्म अंडरराइटिंग का टोटल कर लेंगे हम। टोटल करने के बाद में ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में डिवाइड करेंगे, सबको बेनिफिट ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में मिलेगा। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, चिंता मत कीजिए बच्चों। द क्रेडिट इज टू बी गिवन एज पर द ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो आफ्टर टोटलिंग द फर्म अंडरराइटिंग एंड गिविंग क्रेडिट टू ऑल अंडरराइटर्स एज पर जीएलआर। बराबर, एक्सटेंड करके आपको समझने के लिए इजी लैंग्वेज। अभी एक छोटा सा टेबल है हमारा, फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटर्स लायबिलिटी, कैसे सर कैलकुलेट करना है अंडरराइटर्स लायबिलिटी, इस पे क्वेश्चन आ सकते। सबसे पहले हमेशा आता है अपना ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी में से हर एक क्वेश्चन में जहां पे आपको फॉर्म अंडरराइटिंग दिया है, पहले वही माइनस करना है, पहले फॉर्म अंडरराइटिंग ही माइनस करेंगे। बी पॉइंट फॉर्म अंडरराइटिंग माइनस, फिर मार्क्ड एप्लीकेशन अगर है तो वो माइनस करेंगे, फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, इनको ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि बाबा टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, किसी का भी नाम नहीं है तो बेनिफिट देना किसको है, सबको दे दो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। Whatever the ratio is, 1:2, 3:2, 4:5, 6:7, 8:9, 10, जितने भी underwriters, सबको benefit मिले। Benefit देने के बाद में ऐसा हो सकता है, chance है कि किसी एक underwriter का negative liability आ जाए, मतलब surplus आ जाए, मतलब उसके ऊपर liability तो है नहीं, उल्टा surplus आ गया उसके नाम का, इतना मेहनत कर दिया। तो जो भी उनका सरप्लस है ये बाकी के अंडरराइटर्स को बेनिफिट में काउंट हो जाएगा, बाकी के अंडरराइटर्स को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। सरप्लस ऑफ एनी अंडरराइटर हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर अंडरराइटर्स इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद में नेट नेट लायबिलिटी आएगा। इसके ऊपर उनका आदत है बच्चों, इस पे क्वेश्चन पूछना, नेट लायबिलिटी और टोटल लायबिलिटी प्लीज याद रखना। डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है, फॉर्म अंडरराइटिंग, नेट लायबिलिटी कितना, जितना लेना पड़ रहा है। टोटल लायबिलिटी मतलब क्या, जितना लेना पड़ रहा है और जितना तूने अपने मन से लिया, दोनों मिला के टोटल लायबिलिटी। यहाँ पे नेट लायबिलिटी विदाउट फॉर्म अंडरराइटिंग, फिर आपने जितना कसम खाया था ना कि बाबा कोई ले ना ले, मैं तो इतना लेने ही वाला हूं, ये आपका फॉर्म अंडरराइटिंग, वो एड अप हो जाएगा यहाँ पे। इधर जीएलआर वीएलआर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं, आपने जितने शेयर बोले थे उतने ले लो, तो दोनों को ऐड करके फाइनल लायबिलिटी जो भी आएगा उसको हम लोग प्यार से बुलाएंगे टोटल लायबिलिटी, इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग, इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। बच्चों ये था आपका छोटा सा फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटर्स लायबिलिटी। बराबर, अंडरराइटिंग लायबिलिटी एकदम इजी वे में हम लोग ढूंढ लेते मेरे बच्चों। और ये जो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स काफी इजी टॉपिक है, इस पे जो जो कॉन्सेप्ट्स है वो याद रखना अपने को। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बाबा शेयर्स पे अगर अंडरराइटिंग हो रहा है बराबर तो 5% ऑफ इश्यू प्राइस, और अगर डिबेंचर्स पे हो रहा है तो 2.5% ऑफ इश्यू प्राइस। इसके बाद में अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू हो रहा है, किसी हम लोग इंटरनल इंडिविजुअल के को शेयर्स इशू कर रहे तो अंडरराइटिंग का जरूरत ही नहीं, उसमें नहीं आएगा। प्रमोटर्स को ESOP, VSOP के केस में ये सब अंडरराइटिंग एप्लीकेबल नहीं है मेरे, ये सिर्फ पब्लिक के टाइम पे एप्लीकेबल, पब्लिक को शेयर दे रहे
हाँ तो फिर अंडर राइटिंग एप्लीकेबल। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट डिफिकल्टी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, अगर कोई भी डाउट है तो। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अंडर राइटर्स लाइबिलिटी समझा सबको, आइए आगे बढ़ेंगे एंड वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। एक अच्छा खासा वाला क्वेश्चन हम लोग रिजोल्व करेंगे मेरे दोस्तों। यस चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है? ए लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, बराबर। द कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक एट प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज ईच। मतलब 10 रुपए का शेयर 15 में इशू कर रहे हैं हम। ये तो सर समझ में आ गया हमको। ओके आगे बढ़ेंगे। द एंटायर इशू वॉज अंडर रिटर्न बाय ए बी एंड सी 60, 30 और 10,000 और उसमें फॉर्म अंडर राइटिंग 10,000, 4,000, 2,000 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कन्फर्म ए 10,000 तो लेने ही वाला है, कन्फर्म बी 4,000 शेयर तो लेने ही वाला है, सी कन्फर्म 2,000 शेयर लेने वाला। ऑफ द टोटल इशू ओनली 90,000 शेयर इंक्लूडिंग द फॉर्म अंडर राइटिंग वेर सब्सक्राइब फॉर। मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग मतलब फॉर्म अंडर राइटिंग छोड़ के कितना मार्क्ड है? 32, 20 और 8, ये तीनों के मार्किंग है। एप्लीकेशन पे स्टैंप है, एक का 32,000 शेयर पे स्टैंप है, मतलब उसने इतने पब्लिक को शेयर लेने के लिए इंड्यूस किया। बी भाई साहब के पास 20,000 के मार्किंग वाले एप्लीकेशन, सी के पास 8,000। कैलकुलेट द लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर्स गिविंग द बेनिफिट ऑफ, देखिए क्या पॉइंट दिया है, गिविंग द बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग टू ऑल द अंडर राइटर्स। यहाँ पे टू ऑल द अंडर राइटर्स का मतलब ये है कि अपने को बेनिफिट देना है जी एल आर के हिसाब से। फॉर्म अंडर राइटिंग का जो बेनिफिट है वो जी एल आर के हिसाब से हम लोग देंगे। ओके सर, अभी ये सम का पूरा सिनॉप्सिस मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल तो 50 लाख है लेकिन इशू तो सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही कर रहे हैं हम लोग, बराबर। 50 लाख रुपए का ऑथोराइज्ड कैपिटल है, 5 लाख शेयर्स थे लेकिन इशू 1 लाख ही किया है, बातचीत भी 1 लाख शेयर्स का ही करेंगे मेरे दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 लाख शेयर्स वेर इशूड। हाँ सर, अब इसमें सब्सक्राइब कितना हुआ और अनसब्सक्राइब कितना रह गया उसका बाइफरकेशन देना है। आइए दोस्तों बाइफरकेट कर लेंगे फटाफट से एकदम। आउट ऑफ द टोटल इशू ओनली 90,000 शेयर्स इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग में सब्सक्राइब, मतलब फॉर्म अंडर राइटिंग बाकी सारे कॉमन पब्लिक सारा मिला जुला के 90,000 शेयर्स सब्सक्राइब हुआ। तो 90 अगर सब्सक्राइब हुआ है तो अनसब्सक्राइब कितना है? 90,000 अगर सब्सक्राइब्ड है तो 10,000 क्या रह जाएगा? अनसब्सक्राइब। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। अब ये जो सब्सक्राइब्ड 90,000 है, 90,000 सब्सक्राइब, इसमें भी कैलकुलेशन क्या सर? ये 90 में से ए भाई साहब, बी भाई साहब और सी भाई साहब ने कन्फर्म फॉर्म अंडर राइटिंग के नाम पे कितने शेयर्स लेने का बोला है? ए ने बोला है कि मैं तो 10,000 शेयर्स लेने ही वाला हूँ, बी ने बोला था मैं तो 4,000 शेयर्स लेने वाला हूँ, सी ने बोला था मैं 2,000 शेयर्स कन्फर्म लेने ही वाला हूँ। ये इंफॉर्मेशन ये रहा 10, 4 और 2, टोटल 16,000। यस सर, 16,000 शेयर का फॉर्म अंडर राइटिंग। अभी सारे शेयर पे मार्किंग भी है, उसको हम लोग बोलेंगे मा, मार्क्ड एप्लीकेशन। मा, मा तो सबसे बड़ी है, चलो देखते हैं। मार्क्ड एप्लीकेशन 32, 20 और 8। ओके लिख देंगे फटाफट से। 32 ए का, बी का 20, सी का 8। 32 और 8 कितना हो जाता है बच्चों? 40 और 20 60, मतलब 60,000। तो इधर हो 60 और 16 76 90 में से 76 का तो कैलकुलेशन कर लिया मेरे दोस्तों। तो जो बचा है उसको हम लोग बोलेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ये कितना है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन आया है 14,000 शेयर्स का। 14,000 शेयर्स का बेनिफिट हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर GLR ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो।
तीनों का ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो देखिए किसने कितना कितना गारंटी दी है. 60,000 ए ने, बी ने 30, सी ने 10, मतलब 6:3:1 का रेशियो यहाँ पे जनरेट हो रहा है. देखिए बच्चों 6:3:1 किसको किसको, ए बी और सी. तो 6:3:1 मतलब 10, 14,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा बोलो मुझको फटाफट से एकदम फास्ट फास्ट में बताइए. चलिए मेरे दोस्तों 1400 मल्टीप्लाइड बाय 3 4200, यहाँ पे हो जाएगा 8400 डबल. तीनों को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना. ओके सर, पूरा का पूरा बाइफरकेशन कर लिया हमने सम का. यहाँ पे एक चीज याद रखना, फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट सबको देना है जीएलआर के हिसाब से. अभी हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे सोल. सर सोल स्टेटमेंट ऑफ अंडरराइटर का लायबिलिटी, बराबर SOUWL सोल कैसे बनाएंगे. तो तीन अंडरराइटर ने हमारे ए बी और सी जैसे पहले किया था वैसे ही कंटिन्यू करना है. बताओ मेरे को ग्रॉस लायबिलिटी क्या है तीनों का. एक मिनट, लेट मी यूज सम अदर कलर, हाँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिटी, डजंट मैटर एक्चुअली. ग्रॉस लायबिलिटी कितना है, 60, 30 और 10. क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो, इन केस इफ यू वांट टू लुक एट द क्वेश्चन. आई विल वेट फॉर अ सेकंड. 1 2 3 डन बच्चों, चलो वीडियो पॉज करके भी ले सकते हैं लोग, बड़े लोग. अब इसमें से सबसे पहला माइनस होगा फॉर्म अंडरराइटिंग. सर कैसा माइनस कर, 10-4-2 या फिर आपने जैसा बोला वैसा. आपने अभी बोला ना कि फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट टू बी गिवन टू ऑल, मतलब जीएलआर के हिसाब से. तो बाबा जीएलआर तो अभी अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, बराबर. ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉर्म अंडरराइटिंग क्या था, कितना था फॉर्म अंडरराइटिंग, 10,000 ए ने बोला था, फिर 4,000 किसने बोला था, बी ने, 2,000 सी ने, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 16,000 का फॉर्म अंडर राइटिंग है. इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है जीएलआर में 6:3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो जरा. 16,000 डिवाइडेड बाय 10, 1600 आ रहा है. 1601 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4,800, तो 9,600. ये फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट्स क्रेडिट करने, 9,600, 4,800, finally 1,600. ये बेनिफिट्स माइनस कर देंगे. इसके बाद में क्या माइनस करना है, मार्क्ड एप्लीकेशन. बताइए बच्चों मार्क्ड एप्लीकेशन तो बाय हार्ट है, 32, 20 और लास्ट में 8. देखिए 32, 20, 8 तो 32, 20 and 8 ये माइनस करेंगे. फिर माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन. उमा अनमार्क्ड एप्लीकेशन अब भी कैलकुलेट किया था हमने, ये रहा 844214, 8400, 4200 और 1400 हो गया. कर दिया माइनस. माइनस करने के बाद में कितना लायबिलिटी बचता है, चलिए करिए कैलकुलेट. 60,000 माइनस 9600 माइनस 32 माइनस 8400, यहाँ पे 10,000 का लाइबिलिटी बच रहा है. बी का 30 - 48 - 20 - 42 1,000 का लाइबिलिटी बच रहा है. 10, 2, 2, 1
यहाँ पे -1000 सरप्लस हो गया, यहाँ पे सरप्लस हो गया, तो यहाँ पे आगे अभी सरप्लस का कैलकुलेशन बताना पड़ेगा। लेस सरप्लस ऑफ सी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी, किसको देना है बेनिफिट, ए और बी को कैसे देना है, इन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। कर दो ना कैलकुलेट, खत्म करो ना बात, एकदम बेसिक लेवल। चलिए फटाफट से बताओ आंसर। चलो बच्चों, यहाँ पे 1000 जो है ना वो ए और बी का जीएलआर मतलब 6:3 इसमें हमको डिवाइड करने का, मतलब अगर पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट को राउंड ऑफ कर दो, 667 333 और यहाँ पे तो नेगेट हो जाएगा पूरा का पूरा, इधर जीरो हो जाएगा इसका, बाकी के दोनों का यहाँ पे आ जाएगा 667, यहाँ पे आ जाएगा 9333। ये भाई साहब पे ज्यादा लाइबिलिटी है बाबा। हाँ, ये हो गया, ये क्या आया, ये हमको मिल गया बच्चों नेट लाइबिलिटी। अभी कुछ भी बचा नहीं है, नेट लाइबिलिटी विदाउट फर्म अंडरराइटिंग। उन्होंने फर्म अंडरराइटिंग छोड़ के कितने शेयर लेने पड़ेंगे, 9333667 और जीरो। अभी फर्म अंडरराइटिंग में उन्होंने क्या कसम खाया था कि मैं इतने तो शेयर्स लेने वाला हूं, तो कितने शेयर लेने वाला हूं, तो यहां पे ऐड फर्म अंडरराइटिंग। अभी यहां पे वो कैलकुलेशन मत करना, यहां पे तो जितने जितने उन्होंने ऑब्लिगेटरी शेयर्स लेने वाले हैं उतना डायरेक्ट डाल देना है। मतलब ए ने क्या बोला था, मैं 10,000 शेयर लूंगा, ओके, बी ने बोला था मैं 4,000 लूंगा, और सी ने बोला था मैं 2,000 ही लूंगा, ओके। अब पता चलेगा अपने को टोटल लायबिलिटी के बारे में, टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। देखो मैं जानबूझ का एम पुटिंग एम्फसाइज ऑन द वर्ड फर्म, फर्म कंफर्म, ऐसा याद रखने का कुछ। तो यहां पे आ जाएगा 19,333, 4667 और 2000। तो जरा टोटल कर लो, जरा टोटल कर लो, जरा क्या आ रहा है सर, हम लोग इसका टोटल करें तो ज्यादा फिगर है, 19,333 प्लस 4667 प्लस 2000, तो ये तो सर 26,000 जा रहा है। और जबकि अनसब्सक्राइब तो सिर्फ कितना है, अनसब्सक्राइब तो 10,000 ही था। बच्चों अनसब्सक्राइब का कैलकुलेशन हमेशा नेट लाइबिलिटी से किया जाना चाहिए। ये तो फर्म अंडरराइटिंग भी तो सब्सक्राइब में आ गया ना बच्चों, करो देखो 26 आया, अभी उसमें से फर्म अंडरराइटिंग माइनस करो 16,000, आंसर 10,000 आना ही चाहिए 100%। मतलब यहाँ पे अपने को टोटल लाइबिलिटी जो है वो अपने को नहीं बताएगा कि अनसब्सक्राइब कितना है, जो नेट नेट लाइबिलिटी आ रहा है आपके ऊपर वो बताएगा कि आपका एक्चुअली अनसब्सक्राइब में से कौन कितना शेयर ले रहा है। तो ये जो 10,000 के अनसब्सक्राइब्ड हैं, इसमें से ए भाई साहब ले रहे हैं और बी भाई साहब ले रहे हैं, ए ले रहे 9333 और इनको लेना पड़ रहा है 667, ये लेना पड़ रहा है, वो तो बाय चॉइस सब्सक्राइब करके रखा उन्होंने। आई होप दिस इज लाउड एंड क्लियर टू एवरीबॉडी। ये वाला क्वेश्चन एकदम मजेदार था मेरे बच्चों, देखिए ऐसे फुल पेज क्वेश्चन तो नहीं आ सकते, लेकिन इसमें से छोटे छोटे एस्पेक्ट आ सकते हैं, जैसे कैलकुलेट फर्म अंडरराइटिंग बेनिफिट टू बी गिवन टू ऑल, फर्म अंडरराइटिंग बेनिफिट टू बी गिवन टू इंडिविजुअल, व्हाट इज द नेट लायबिलिटी, व्हाट इज द टोटल लायबिलिटी, पूछ सकते हैं अपने को, आ सकता है ऐसा। कमीशन भी पूछ सकते हैं इसमें अपने को, इसमें तो पूछा नहीं है लेकिन बाकी का पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल वन फॉर योर कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पे इतना मस्त क्वेश्चन है ये, सैटेलाइट लिमिटेड इशू 12% 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, द इशू वाज अंडररिटन एज फॉलोस, एप्पल 30, मैंगो 30, ऑरेंज 20। ओहो हो, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, इशू वाज अंडररिटन, एप्पल ने 30, मैंगो ने 30, ऑरेंज ने 20, 30 30 20, 30 30 60 plus 20 80 80% ही हो रहा है, ये क्या हो गया, पार्शियल अंडरराइटिंग रे बाबा। एप्लीकेशन फॉर 8,000 शेयर्स वर रिसीव्ड बाय द कंपनी इन ऑल, डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव अंडररराइटर्स। एक झटके में सम सॉल्व होने वाला है मेरे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं फटाफट। हाँ, क्या दिया हुआ है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करें, तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख लेता हूं,
प्लीज लुक हियर एवरीबॉडी, 10,000 वीडियो पे ध्यान दो, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। ओके सर, 10,000 में से सब्सक्राइब्ड कितने हैं सर? 8,000 दिया हुआ है। अनसब्सक्राइब कितना? 2,000 सर, ये तो एकदम इजी है, बराबर एकदम इजी। देखो ध्यान दो, अभी 8,000 जो सब्सक्राइब्ड है ना, इस पे अलग अलग ग्रॉस लाइबिलिटी आ रहा है। सर किसका लाइबिलिटी? देखो बच्चों, अभी अगर स्टेटमेंट ऑफ अंडरराइटर्स लाइबिलिटी में बनाऊं तो उसमें ग्रॉस लाइबिलिटी में कितने लोगों का नाम आएगा? एप्पल, फिर मैंगो, फिर ऑरेंज और लास्ट में कंपनी। कंपनी का भी शेयर है सर कैसा? अरे बाबा, एप्पल का ग्रॉस लाइबिलिटी था कितना? 30%, मैंगो का भी 30, ऑरेंज ने लिया 20, तो बच गया 20 ना बच्चों, वो 20 ऑटोमेटिकली कंपनी के ऊपर जाएगा लाइबिलिटी। अभी ये शेयर के हिसाब से 10,000 का 30%, 3,000 शेयर्स का लाइबिलिटी एप्पल ने लिया, 3,000 शेयर्स का मैंगो ने, 2,000 शेयर्स का ऑरेंज ने लिया लाइबिलिटी, और 2,000 का ऑटोमेटिकली कंपनी के ऊपर आ गया लाइबिलिटी, क्योंकि किसी ने भी अंडरराइट नहीं किया। अभी एप्लीकेशन जो आया है, लेस एप्लीकेशन रिसीव्ड, इसमें ना तो कोई मार्क्ड फॉर्म है ना कोई अनमार्क्ड फॉर्म है, सिर्फ इतना बोला है 8,000 एप्लीकेशन आया है। तो अपने को वहां पे रूल अप्लाई करने का जरूरत नहीं कि पहले मार्क्ड अनमार्क्ड अगर दिया है तो अनमार्क्ड का बेनिफिट पहले किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा, वो रूल यहाँ पे अप्लाई करने का जरूरत नहीं। तो यहाँ पे क्या रूल अप्लाई होने वाला है? 8,000 जो एप्लीकेशन आए हैं उसको बाइफर्केट करने का है चार शेयर्स में, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज और कंपनी, बराबर 3:3:2:2:2, 30-30, 20-20 में हम लोग करने वाले, 3:3:6+4:10, तो 8,000 / 10 × 3, 2,400। देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, एप्लीकेशन रिसीव डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन GLR, बच्चों समझ रहा है? 2,400, 2,400, 1,600 और 1,600, तो चारों भी इंडिविजुअल्स पे, मतलब कंपनी भाई साहब भी है इसमें। लायबिलिटी कितना आया है सर के ऊपर? तो ये तो लेस करना है, आइए 600 का नेट लायबिलिटी, 600 का नेट लायबिलिटी, 400 का नेट लायबिलिटी, यहाँ पे 400 जो शेयर्स कंपनी के ऊपर रह गया है ये रह जाएंगे अनसब्सक्राइब्ड बच्चों, और यहाँ पे 6 + 6 = 12 + 4 = 1600 शेयर्स का लायबिलिटी हमारे अंडरराइटर्स पे आ रहा है। मैं आपको ये प्रूव कर देता हूँ कि हमारा आंसर राइट है। 2000 शेयर्स अनसब्सक्राइब थे, इसमें से अंडरराइटर का लायबिलिटी था 80%, हमारे कंपनी का लायबिलिटी था 20%, 2000 का 80% निकालिए, 1600 ही आएगा, और इतना ही हमें भी आया है 6 + 6 + 4, बराबर 400 शेयर्स अनसब्सक्राइब रह गए, वही तो है 20%, 400 शेयर्स जो कंपनी के ऊपर था रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अनसब्सक्राइब रह जाएगा, कोई सब्सक्राइब करने नहीं वाला है। समझा के नहीं मेरे दोस्तों? कोई डाउट डिफिकल्टी? अभी यहाँ पे एक केस आपको बताना है। हाँ, यहाँ पे चैप्टर तो खत्म हो गया बच्चा पार्टी यहाँ पे, लेकिन एक केस आपको मेरे मुझे डिस्कस करना है आपके साथ में, जर्नल एंट्री से रिलेटेड। सर इसमें जर्नल एंट्री भी है? हाँ मेरे बच्चे, इसमें जर्नल एंट्री है ना। सर क्या है इसमें जर्नल एंट्री? देखिए जब भी पब्लिक शेयर्स लेगी ना तो जनरल नॉर्मल एंट्री आएगा, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं कि पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, फिर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर कैपिटल टू आगे 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 हम लोग ट्रांसफर करते जाएंगे कैपिटल में। मतलब पब्लिक ने अगर सब्सक्राइब किया तो उसका एंट्री कैसे आएगा? सबसे पहले बैंक टू एप्लीकेशन, और फिर इमीडिएटली एप्लीकेशन टू कैपिटल, फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा, अलॉटमेंट टू कैपिटल, फिर आएगा बैंक टू अलॉटमेंट, और ये चलते रहेगा कॉल, फाइनल कॉल तक। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन एक स्पेशल केस जिसमें अंडररा का कैलकुलेशन बताना है। अंडररा भाई साहब जब भी शेयर लेंगे तो आपका एंट्री आ जाएगा, अंडर अकाउंट डेबिट
एक्स अमाउंट टू शेयर कैपिटल, एक्स अमाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एक्स अमाउंट, इतना पैसा उनके पास से लेना है। इसके लिए देखो डेबिट कर दिया, डेटर बना दिया उनको। लेकिन पैसा देना भी तो है, उसको हम लोग बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी के लिए खर्चा है, उसको डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट कर देंगे अंडरराइटर को, क्योंकि उनको ही देना है। अभी लेन देन करते करते एक फाइनल सेटलमेंट का एंट्री मारो ना, हाँ सेट ऑफ कर दो, यहाँ पे इतना पैसा लेना है, इतना पैसा देना है, तो फाइनल नेट नेट अमाउंट का ही कैलकुलेशन करेंगे, वो आएगा यहाँ पे। कंपनी को पैसा देंगे हमारे अंडररिटर, क्योंकि शेयर खरीदने का हमेशा ज्यादा रहेगा। समझो यहाँ पे 12 रुपया आ गया, यही ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लो 15 रुपये वाला, 15 रुपीज पर शेयर, शेयर कैपिटल ऑफ 10, प्रीमियम ऑफ 5, यहाँ पे अंडररिटिंग कमीशन में 1 रुपया ले लेता हूँ मेरे दोस्तों, 1 रुपी 1 रुपी, तो 15 उनसे लेना चाहिए था, 1 रुपया उनको देना चाहिए था दोस्तों, तो बैंक अकाउंट डेबिट में 14 रुपया आ जाएगा, तो अंडररिटर्स 14 रुपीज के 15 लेना था, 1 रुपया देना था, फाइनल सेटलमेंट 14 रुपीज का। यहाँ पे होता है हमारा जर्नल एंट्री वाला पार्ट समाप्त। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या आने वाले मेरे बच्चे, ये लिख लो मेरे साथ में, जानबूझ के अभी अलग से लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। किन किन प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग अंडरराइटिंग, सबसे पहले अपना एज यूजुअल थियरी, जिसपे बच्चे ध्यान नहीं देते, भूल जाते, लेकिन हम लोग ध्यान देंगे बच्चों, यस। इसके बाद में पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, इसके बाद में पूछ सकते हैं अपने को नेट लायबिलिटी का केस, नेट लायबिलिटी, इसके बाद में नेट लायबिलिटी के बाद में टोटल लायबिलिटी भी पूछ सकते हैं, टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल लायबिलिटी, रुको अलग से लिख देता हूँ, बस आपको ऐसा लगेगा रिवाइज करने के टाइम पे कि सर ने माइनस क्यों लिखा है। टोटल लाइबिलिटी इज ऑलवेज नेट लाइबिलिटी प्लस द कंसर्न्ड अंडररिटर का फर्म अंडररिटिंग, बराबर। और फाइनल पूछ सकते हैं वो लोग कमीशन के बारे में, कमीशन अपने को बाय हार्ट है, 5% ऑन शेयर्स और 2.5% ऑन डिबेंचर्स। तो इतने प्रकार के सवाल आ सकते हैं मेरे दोस्तों, ये उनका फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है। यही प्रकार के क्वेश्चंस एबीसी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए, प्लीज डू रेफर दीज क्वेश्चंस। ओके, विद दिस वी एंड अवर टॉपिक ऑफ अंडरराइटिंग। थैंक यू सो मच।